हम साथ में जी तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आसमान तले ना जिए हम, एक ही सूरज के नीचे, एक ही बारिश में, जब वो बारिश हम दोनों को पूरी तरीके से भिगा देगी, एक ही नदी, एक ही पहाड़, एक ही मंजिल, लेकिन रास्ते अलग अलग, मैं अकेली और आप भी। और जब एक अपना सफर शुरू करेगा तो उसे दूसरे की याद आएगी और ऐसे हम एक दूसरे के मन में हमेशा जिंदा रहेंगे सर जी, हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरी सिर्फ एक ही लड़ाई है कि जंग है आपको जिंदा जिंदा रखने की। मैं आपको यूं बांध कर नहीं रखना चाहती, आप पे हक नहीं जताना चाहती हूँ, सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ आपको, बस कैसे भी कर बहुत खुश। मैं जानती हूँ मेरा सच, ये सच कि आप मेरे पति हैं, ये दुनिया के सामने मैं कभी कह ही नहीं सकती हूँ और ना ही बता सकती हूँ कि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में कई दिलचस्प मोड हैं जो आपको और भी ज्यादा रोमांचित कर देंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब झनक अनिरुद्ध की सेहत के लिए प्रार्थना कर रही होती है, वो भगवान के मंदिर जाती है और वहाँ अपने सर जी की लंबी उम्र की स्वास्थ्य के लिए कामना करती है। झनक भगवान से प्रार्थना करती है लेकिन उसे बस प्रार्थना करने का मन नहीं है, वो नाचती है ताकि भगवान को अपने दिल की बात अच्छी तरीके से समझा सके, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब झनक बेहोश होती है तो दर्शक सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो महसूस करती है कि उसे अनिरुद्ध के पास जाना है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचती है तो उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। ये झनक के लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस बार झनक एक मजबूत और निडर अवतार में दिखाई देती है, वो अपने परिवार वालों को देखकर कहती है कि अगर आप में से मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्या झनक सच में कुछ ऐसा करेगी। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और अंदर जाने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है। आखिरकार झनक अनिरुद्ध के पास पहुंचती है और उसके सिर पर फूल रखती है और ये बहुत ही भावुक मोमेंट होता है। जैसे ही वो ऐसा करती है, खुशखबरी आती है कि अनिरुद्ध धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये सुनकर झनक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस एपिसोड में हमें ये सिखाया कि सच्चा प्यार और भक्ति से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं होता। झनक ने अपनी निडरता और प्रेम से अनिरुद्ध की जिंदगी में फिर से उम्मीदों की किरण जगाई है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।